हेलो गाइस, चलिए आगे हम लोग डायनामिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको बताना था, वो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। दो पॉइंट के बीच में पार्टिकल कोई भी पाथ से मूव करे, स्ट्रेथली मूव करे, कर्वियल कोई भी कर्व के रॉन्ग मूव करे, तो दो पॉइंट के बीच में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, डिफरेंट पाथ से, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ से मूव कर रहा है, बल्कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का फोर्स से हमको वर्क डन मिलता है जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जब अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर कोई आप क्लोज्ड पाथ लेते हैं इस तरह का, ठीक है, तो जैसे यहां से स्टार्ट किए फिर यहीं पे आ गए, तो आप देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। तो ऐसे केस में, ठीक है, वर्डन जीरो हो जाएगा, चाहे इस तरह का कोई सिमेट्रिकल क्लोज्ड पाथ हो या कोई इस तरह का अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, किसी भी तरह का अगर क्लोज्ड पाथ है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाता है तो वर्डन क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स एफ वेक्टर के लिए आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि आप डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक ऑपरेटर है, पता है आपको, पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि इसके उल्टा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे तो हम लोगों का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा और ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वो फोर्स जो कंजर्वेटिव नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। ठीक है, दैट फोर्स विच आर नॉट कंजर्वेटिव आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इन दिस केस वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। ठीक है, इसका नोट आप अच्छे से बना लीजिए। तो इस तरह से कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, सो दैट फोर्स फील्ड गिवेन है आपको एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको नॉन कंजर्वेटिव दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग वो डेल्टा क्रॉस एफ का रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, वो नॉन जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है डेल्टा क्रॉस एफ। डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक है, डेल्टा आपका होता है आई कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। ठीक है, क्रॉस एफ वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, तो एफ वेक्टर को यहां पे लिखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, यही है। तो यहां पे ध्यान ये देना है आपको कि यहां पे आई कैप का वैल्यू है और के कैप का भी है, जे कैप का नहीं है। ठीक है, तो जो जे के करस्पॉन्डिंग हम कोफिशियंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनांट वैसे फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनांट ले लीजिए इस तरह का, ठीक है, ऊपर में आई जे और के। ठीक है, पहले इसका कोफिशियंट क्या है, कर्ली बाई कर्ली एक्स कर्ली बाई कर्ली वाई, ये है कर्ली बाई कर्ली जेड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, जे का है नहीं, जीरो लेंगे, और इसका माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनांट वे है इसे आपको करने आता है। ठीक है, तो आप इसको खुद से कीजिए, है ना, नहीं होता तब मेरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव इन एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव इन वाई, पार्शियल डेरिवेटिव इन जेड। और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, आप जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल लेते हैं, बाकी को कांस्टेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका आई को लेंगे तो इसका, इस पे अप्लाई होगा पार्शियल डेरिवेटिव, यानी वाई के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ मैं, कर्ली बाई कर्ली वाई माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब फिर ये वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस अगर आप फिर जे लेते हैं, ठीक है, तो जे लेंगे तो पहले हम लोग इस तरफ से करेंगे, तो कर्ली बाई कर्ली जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, और फिर आपका माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस कर्ली बाई कर्ली एक्स
एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और के का अगर लेते हैं तो के में क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया मेरा, माइनस कर्ली वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। अब आपको बस इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू इसका देखिए क्या आएगा, इसको y में करते हैं तो x और z स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव पार्शियल वन होगा, ठीक है, ये तो जीरो है, प्लस जे, इसका करेंगे z में तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट और z का वन, क्लियर है, इसमें x का वन हो जाएगा और वाई जेड स्क्वायर आपका बच जाएगा, ठीक है। प्लस k वेक्टर को देखिए, जीरो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है कि सब तो बच जा रहा है, तो जीरो तो नहीं आएगा लगता है, ठीक है। क्या आ रहा है बताइए, माइनस एक्स जेड स्क्वायर आई वेक्टर, फिर यहाँ से हम लोग एक्स वाई को चाहे तो कॉमन ले लें, अच्छा कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई कॉमन है, ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है ऐसे, जे माइनस के एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। इस तरह का हम लोगों का आया, तो ये तो कुछ भी आया तो जीरो तो नहीं आया आपका, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या कि सिंस आपका जो डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर है वो नॉन जीरो है, देयरफॉर आपका एफ क्या होगा, एफ इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। डेल्टा क्रॉस एफ का नॉन जीरो आना ये बताता है कि ये क्लोज्ड पाथ में ये वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। अच्छा मैं फिजिक्स में बता दूं आपको कि फिजिक्स में इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है अच्छे से, और जो ग्राउंड है क्वेश्चन का, ठीक है, जो सिचुएशन है उसको सोचना भी पड़ता है। आपका इस तरह का हैबिट हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन काफी लंबा लंबा लिखा रहता है और समझने में फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ये तो काफी इजी है और काफी आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोलता है ना, एक बुलेट है, ठीक है, मास एम का, मूविंग विथ वेलोसिटी यू, स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम विच इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट एंड इज एम्बेडेड इन इट, सो दैट ए पोर्सन कैपिटल एम बाई एम प्लस एम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। तो सिचुएशन आपका यहाँ पे, वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है ना कि गन से एक बुलेट निकला, ठीक है, बंदूक से एक गोली निकली, यू स्पीड से चल रही है और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है। तो ये जब आया तो इसको हिट किया, इसके अंदर इम्बेड कर गया, यानी इन करके स्टॉप हो गया, ठीक है, कुछ इसको पेनेट्रेट करेगा, छेद करेगा और फिक्स हो गया इसी में। तो अब ये दोनों को फिक्स हो गया, एम और एम दोनों, ठीक है। तो अब इसका पूरा मास क्या हो जाएगा, एम प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, ये लिखता है कि फ्री टू मूव है इन डायरेक्शन ऑफ बुलेट, तब ये पूरा जो मास है ब्लॉक के साथ ये इधर इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि इम्बेड करने के बाद जो पूरा सिस्टम है एम और एम का, वो भी वेलोसिटी से मूव करने लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, उसका पोर्शन आपको बताना है, उसका पोर्शन इतना होगा, मैंने काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस का मतलब क्या है कि हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इतना पोर्शन लूज कर जाएगा, ठीक है। आसान है ये, हम लोग काफी इजीली कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, लेट व्हेन बुलेट ऑफ मास एम इम्बेडेड इंटू ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम द सिस्टम एम प्लस एम मूव्स विथ वेलोसिटी भी, ठीक है, ये हम लोग कंसिडर कर लिए, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम को कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लगा है, ठीक है ना, मोशन के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ
इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए, शुरू में इसका मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी यानी एमयू, ठीक है। अच्छा, और स्टार्टिंग में मेरा ब्लॉक जो कैपिटल एम है वो क्या था, रेस्ट पर था, तो एम इंटू जीरो, स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी जीरो था, ठीक है। बाद में दोनों आकर के एक साथ ज्वाइंट हो गए और दोनों का कॉमन वेलोसिटी क्या हो गया, भी, ठीक है। ओके, तो यहां से हमारा भी काफी इजिली निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू एम यू बाई एम प्लस एम, ठीक है, ये हमारा निकल गया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि शुरू में ज्यादा रहा होगा, बाद में कम हो गया होगा, तो हाफ, ठीक है, एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग का, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ इसी के पास वेलोसिटी था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर, और माइनस बाद में क्या हो गया, बाद में ये पूरा सिस्टम मेरा मूव कर रहा है, तो एम प्लस एम वी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको आइए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा बताइए, हाफ को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा आपका एम यू स्क्वायर माइनस एम प्लस एम, इस वी का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, वी का वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो आपका फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेके देखिए क्या आ रहा है। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है, आपका अंदर में आ जाएगा एम एम यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ये वैल्यू हमारा फाइनली आ जा रहा है क्या, देखिए, ठीक है, जो बच रहा है ना उसको हम देखिए ऐसा लिख रहे हैं, एम बाई एम प्लस एम हाफ एम यू स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ये आपका बच रहा है। और इसको हम ऐसा इसलिए लिखे हैं कि ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम बाई एम प्लस एम, और ये क्या हो गया, इंटू हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पता चल गया कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था उसका इतना पार्ट लॉस हुआ, क्योंकि हम लोग लॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज एम बाई एम प्लस एम पोर्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। अच्छा, फिर आइए देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, टू पार्टिकल ऑफ मास एम एंड एम डैश आर मूविंग इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन विथ गिवन वेलोसिटी वी एंड वी डैश। The particles are connected by a string of such a length that the instant when it becomes tight, it is inclined at an angle alpha to the two lines, assuming that v is greater than v dash, so that the impulsive tension of the string at the instant एट द इंस्टेंट इट टाइटनेस इज एम एम डैश बाई एम प्लस एम डैश भी माइनस भी डैश कॉस अल्फा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो पहले देखिए क्वेश्चन को हमको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो सिचुएशन को समझना पड़ता है कि क्या सिचुएशन कह रहा है, क्योंकि काफी लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पढ़ने के बाद आपका माइंड ज्यादा मिसमैच ना हो जाए, आपको बिल्कुल पॉजिटिवली सोचना है। तो काफी इसमें तो खैर क्लियर लिखा हुआ है और क्वेश्चन काफी लंबा है, जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना ही बड़ा इसका आंसर भी होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं है ना। तो देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ पे समझिए, सिचुएशन को मैंने बताया है, ये फिगर आपका नहीं दिया रहेगा, फिगर मैंने बना दिया है ताकि टाइम हम लोग का बचे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बनाने में तो फिर टाइम इसी में लग जाएगा, ठीक है, इतना में हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए बोल रहा है ना कि दो पार्टिकल है और ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है,
एक मान लीजिए मेरा ये है स्मॉल m का ब्लॉक ले लिए हैं और एक m डैश का भी ब्लॉक, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन में मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन है, ठीक है। अच्छा, दोनों एक स्ट्रिंग से जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है, तो स्टार्टिंग में तो ये लूज होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, इसका भी है और इसका भी डैश है, ठीक है। लेकिन लिखता है क्या कि भी मेरा भी डैश से ग्रेटर है, यानी इसका स्पीड ज्यादा है, तो ये थोड़ा आगे मूव करेगा, ठीक है, इसके कंपेयर में थोड़ा तेजी के साथ आगे जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये जो स्ट्रिंग है ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरीके से जो ये सिचुएशन है वो टाइट हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, जो ब्लैक वाला स्ट्रिंग है वो टाइट हो गया, ओके, तो ये टाइट हो जाएगा जैसा कि लिखा है। जब टाइट हो जाता है तो बोलता है कि अगर टाइट हो गया तो ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अल्फा एंगल बनाता है टू लाइन से, यानी जो दोनों लाइन है पैरेलल लाइन दोनों से अल्फा एंगल। तो देखिए इस स्ट्रिंग को, ठीक है, इस रस्सी को हम लाइन ए बी की तरह दिखाए हैं, इसको हम आगे और पीछे बढ़ा के एक लाइन ऑफ एक्शन बनाए हैं, तो ये टेंशन जो अप्लाई होगा स्ट्रिंग पर, ठीक है, तो उस टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये ए बी दिख रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, ये ए बी आपका इससे अल्फा एंगल बनाएगा तो इससे भी अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, तो वही लिख रहा है कि ये पैर दोनों लाइन से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको इंपल्सिव टेंशन बताना है, जब ये स्ट्रिंग, जैसे ही ये स्ट्रिंग हमारा रस्सी टाइट होगा, तो उस टाइट होने के टाइम में जो इंपल्सिव टेंशन है वो इतना होगा। तो हम लोग इंपल्स पढ़े हैं, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है आपका ऐसा फोर्स, ठीक है, जो काफी कम टाइम के लिए लगता है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही ये मतलब कि स्ट्रिंग टाइट होगा, यानी ये इधर भागेगा इसको पकड़ के खींचेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो टाइट हो जाएगा, तो जिस टाइम टाइट होगा तो लाइन ऑफ एक्शन जो टेंशन का है उसी में आपको काम करना है, याद रखिए, ठीक है, हम इसलिए इस लाइन ए बी का बात कर रहे हैं। तो इस लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग एक काम करेंगे कि मोमेंटम को पहले कंजर्व कर लेंगे, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, ठीक है। और इंपल्सिव जो होता है टेंशन, तो हम लोग इंपल्सिव फोर्स पढ़े थे, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है ना, ठीक है, मतलब कि इंपल्स आई जो होता है वो क्या होता है, एम वी माइनस वी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन मोमेंटम आफ्टर फोर्स अप्लाई माइनस बिफोर फोर्स अप्लाई, ठीक है। तो टेंशन जैसे ही अप्लाई हुआ होगा, जब वो टाइट हो गया होगा, ठीक है, तो उस टाइम जो स्पीड है, तो स्पीड याद रखिए जब दोनों टाइट हो जाएगा तो अब तो दोनों फिक्स हो गया, तो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, सपोज कीजिए भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो शुरू में तो अलग अलग वेलोसिटी था, बाद में क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी एक जैसा हो जाएगा कॉमन। तो जो इंपल्सिव टेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा चेंज इन मोमेंटम, तो दोनों का जो मोमेंटम है, ठीक है, इस एम का और इस एम डैश का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक से भी फाइंड कर लेंगे, चाहे एम डैश से कर लीजिए या एम से कर लीजिए, तो अगर एम डैश से करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम डैश भी, ये फाइनल मोमेंटम हो गया और इनिशियल एम डैश भी डैश, ठीक है, लेकिन इस लाइन के अलोंग में काम करेंगे, क्लियर है। तो अब आइए देखिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, देखिए कैसे डील करेंगे इसको, देखिए इसको हम लोग डील कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहां पे जैसे हम लोग पहले सपोज करते हैं ना कि जब टेंशन टाइट हो जाएगा, जब स्ट्रिंग टाइट होगा तो कॉमन वेलोसिटी भी हो जाएगा, ठीक है, लेट भी इज कॉमन वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, बोथ पार्टिकल्स एम एंड एम डैश, ठीक है, when string becomes tight, ठीक है, ओके, अच्छा, तो अप्लाई कीजिए, है ना, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन टी, दैट इज अलोंग लाइन ए बी। ठीक है, मैंने दिखा दिया लाइन ए बी कौन सा है, तो इस लाइन ए बी के अलोंग में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यही है, कैपिटल टी है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़े हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो बताइए शुरू में क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, शुरू में एक का था मास इंटू वेलोसिटी एम वी और दूसरे का था एम डैश वी डैश। ठीक है, बाद में दोनों का क्या हो गया, तो दोनों का एम का भी और एम डैश का दोनों का हो गया भी। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी। ओके, अच्छा ये दोनों भी एक जैसा लग रहा है ना, तो ठीक है इसको कैपिटल थोड़ा लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसको कैपिटल कर दे रहा हूं, क्लियर है, यहां पे थोड़ा कैपिटल। ठीक है, और ये आपका स्मॉल है। ओके, तो दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नोट बनाने में कभी कभार एक ही जैसा कर देते हैं और फिर खुद कंफ्यूज होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा कि कट जाएगा क्या होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा ये देखिए, ये तो मेरा हुआ क्या, अगर हम ये मेरा कब होता, ध्यान दीजिए, ये मेरा होता जब हम सिंपली इसी लाइन में लिखते, लेकिन यहां पर तो वो बात नहीं है, हमको इस ए बी के एलोंग करना है। तो ए बी के एलोंग ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन इससे अल्फा एंगल बना रहा है, तो अगर हम इस लाइन में कुछ लिखे हैं इस लाइन के एलोंग, तो इस लाइन के एलोंग क्या कर देंगे, ये कॉस अल्फा लग जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसमें कॉस अल्फा अप्लाई करेंगे तो ये, ठीक है, ये आपको पता है प्रॉपर्टी कि अगर इधर कोई मेरा मैग्नीट्यूड ए है तो इस तरफ जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो आप कॉस अल्फा लगा दीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि हम लोग एलोंग लाइन ए बी कर रहे हैं, तो यहां भी लगा देंगे कॉस अल्फा, यहां भी लगा देंगे कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा खैर इलिमिनेट हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, काहे लगाए, तो फर्क नहीं पड़ने से कुछ नहीं होता है, मेन होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। तो भी क्या आ जा रहा है, कैपिटल भी आ जा रहा है, एम भी प्लस एम डैश बी डैश बाई एम प्लस एम डैश, क्लियर है, ये आ गया कॉमन वेलोसिटी। अब जो है हमको क्या करना है, ठीक है, हमको निकालना है इंपल्सिव टेंशन। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, इंपल्सिव टेंशन ऑन ईच। ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू कैपिटल टी, तो दोनों पर सिंपल एक ही अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब अगर इस पर आपका टी अप्लाई हो रहा है तो इस पर भी क्या होगा, इस पर भी टी ही अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम रहता है, क्लियर है, तो हम इस पे नीचे वाले से निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो नीचे वाले से निकाल लीजिए, तो इंपल्सिव टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, एम डैश का बात करेंगे तो एम डैश भी, और इनिशियल क्या था, एम डैश बी डैश। ठीक है, और कॉस अल्फा लगा दीजिए क्योंकि एलोंग ए बी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बस इसको हमको फाइंड करना है, मेरा काम खत्म। तो यहां से देखिए, यहां से एम डैश को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, भी माइनस भी डैश कॉस अल्फा, एम डैश भी का वैल्यू देखिए यहां से पुट अप कर दीजिए, कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एम भी प्लस एम डैश भी डैश बाई एम प्लस एम डैश माइनस, ठीक है, भी डैश कॉस अल्फा, क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो देखिए हमारा एम डैश भी डैश कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका बचेगा ऊपर में एम भी और माइनस एम भी डैश बाई नीचे में एम प्लस एम डैश कॉस अल्फा। ठीक है, तो फाइनली जो हम लोग का बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है देखिए, एम बाहर निकाल लीजिए, एम एम डैश भी माइनस भी डैश बाई एम प्लस एम डैश ओके कॉस अल्फा। तो यही प्रूफ करना था, अब जाके देख लीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन बड़ा रहता है, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो काफी आसानी के साथ डील कर पाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।